तो हेलो गाइस, मैं हूं पिंटू और स्वागत है आपका हमारे ऑल एक्सपेरिमेंट प्रो चैनल में। तो आ चुका हूं फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, वीडियो में काफ़ी मजा आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस, आप गिरगिट का सुना होगा कि गिरगिट रंग बदलता है, लेकिन क्या गिरगिट रियली रंग बदलता है? उसी तरह गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं टर्मरिक पाउडर के साथ, क्योंकि इसका आपको पता होगा कि इसका रंग पीला होता है, लेकिन इसका रंग शायद ही चेंज हो। लेकिन गाइस, इसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करने वाले और देखते हैं क्या ये भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है या नहीं बदलता। तो गाइस, वीडियो में काफ़ी मजा आने वाला है, तो बन रही है हमारे साथ। तो ऑलराइट गाइस, अब एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। जो कि हमें चाहिए एक डिस्पोजल गिलास, डिस्पोजल गिलास या फिर आप कांच से गिलास भी ले सकते हैं, और उसमें डालना पड़ेगा हमें पानी। गाइस देखिए, ये हमारा पानी है। आप ऐसा ना समझिएगा कि इसको कलर को चेंज करने के लिए हमें विनेगर या और कुछ का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसको पी करके भी दिखा सकते हैं आपको। तो देखिए, ये सिर्फ वाटर है, इसमें कुछ और केमिकल वगैरह नहीं मिला हुआ है। तो इसको दोबारा भर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले डिस्पोजल में हम लोग डालेंगे टर्मरिक पाउडर को। तो देख सकते हैं, इसको अभी हमने कट भी नहीं लगाया है, तो इसको सबसे पहले हमको डालना पड़ेगा। तो गाइस देखिए, हमने इसमें डाल दिया टर्मरिक पाउडर को, और इसको अच्छी तरीका से मिक्स कर लेंगे। तो हमने चाकू लाना भूल गया है गाइस, तो इसीलिए हम लोग कैंची से इसको मिक्स कर रहे हैं। तो आप लोग एक्सपेरिमेंट करते समय आप इसे घर पर भी ट्राई करके देख सकते हैं, और आप लोग मेरी तरह कैंची का नहीं बल्कि आप लोग स्पून का, चम्मच का यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, हमारा जो ये है टर्मरिक पाउडर, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो गाइस इसे आप दूध में डाला हुआ हल्दी मत समझ के पी लीजिएगा। और इस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये दूध का गिलास नहीं है जो कि आपको हल्दी डाल कर मिलने जा रहा है। तो गाइस चलिए, और इसमें हम लोग मिक्स करेंगे सरफ को, जो कि मैंने वही सरफ लिया है, जैसे ये घर में यूज होता है। देख सकते हैं आप, हमारा जो ये कटा हुआ पहले से है, तो इसमें डालते हैं हम लोग वही सरफ को। तो ज़्यादा नहीं, जितना हमने हल्दी को डाला था उतना ही डालना है। और आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो ये पीला कलर से रेड कलर में बदल चुका है। इसको फिर से कैची से देखिए आप, नीचे हमारा रेड हो चुका है और ऊपर में हो चुका है पीला। वो भी धीरे धीरे मिक्स होगा जब मिक्स करेंगे हम। गाइस देखिए, ये हमारा जो हल्दी था, टर्मरिक पाउडर था, वो अपना रंग बदल दिया बिल्कुल गिरगिट की तरह। तो गाइस, आपको पता होगा, पहले से पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो पता होगा। अब देख सकते हैं कि हमारा हल्दी के अंदर जब सरफ को डाले हैं, तो ये हमारा जो कलर है वो चेंज हो चुका है। हमारे पास एक है पेपर, और ट्राई कर लेते हैं कि क्या ये रियली में रेड हुआ है या ऐसे ही है। वैसे तो देखते, लेकिन फिर भी देख सकते हैं हमारा जो पेपर है ये भी कुछ रेड हो चुका है। लेकिन आप इसे कलर मत समझिएगा, ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर ये कलर ही, होली आने वाला है तो ये कलर ही उपयोग कर ले होली में, तो ऐसा कुछ नहीं है साइड में। तो गाइस, एक और बात, मैं काफ़ी पिछले 2 से 3 महीनों से मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो देखते हो और स्किप करके चले जाते हो। यार सपोर्ट किया करो, कम से कम सब्सक्राइब करोगे तो एक हमारा उम्मीद बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा, और आपको सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि और भी अलग अलग तरह तरह के आपके सामने हम एक्सपेरिमेंट को ला सकें। तो बस आप लोग का सहारा, हमें सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप। तो गाइस, कैसा लगा हमारा एक्सपेरिमेंट? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और आप चाहो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट देखने के लिए। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।